बारे में। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज का कुछ नॉलेज शेयरिंग का टॉपिक होगा, तो बच्चों को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस जो कोरोना वायरस जो दवाई मचा के रख रहा है, तो रोज़ दिन पे दिन जैसे हम टीवी में न्यूज़ देखते ही रहते हैं, तो बच्चों को भी यही क्वेश्चंस दिमाग में आता रहता है और रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसा पूछता रहता है। तो बच्चों को भी मालूम होना चाहिए लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ जर्म्स एंड क्लीनलीनेस, तो इन सभी का नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है इन अ पोलाइट एंड काम मैनर। ऐसा नहीं कि बच्चे डर जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है मेरा बेटा दर्शील। हाय हाय। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो दर्शील जैसे आप पूछ रहे थे कल परसों पापा से, पापा ये कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस क्या है, तो आपको जर्म्स मालूम है? हाँ जर्म्स। ठीक है, आपको जर्म्स दिखता है? नहीं दिखता है ना, वो छोटे छोटे रहते हैं, इसलिए बार बार हैंड वॉश करने पड़ेंगे। ओके, तो बार बार हैंड वॉश करने से वो चले जाते? हाँ चले जाते। तो किससे हैंड वॉश करना है? साबुन से हैंड वॉश करके पानी डाल के जर्म्स जा सकते। ओके वेरी गुड। तो अभी आपके हाथ में जर्म्स है, अगर आपने वॉश कर लिया तो निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो आपको ये कैसे पता है? ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा एक्टिविटी दिखाऊंगी। ओके, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि जर्म्स अगर आप नहीं क्लीन करते हो सोप से, वो कैसे हाथ में चिपक जाता है। ओके, और अगर आपने हाथ सोप डाल के हैंड वॉश करते हो तो वो कैसे भाग जाता है। जो ऐसे ऐसे पानी डाले तो जर्म्स चिपक जाते हैं। यस, चिपक नहीं जाते, भाग जाते हैं। तो मेरे बेटा पूछ रहा था कि ये वायरस क्या है, वायरस क्या है, रोज़ अब क्यों ये वायरस के बारे में देखते रहते हो, तो इनके पापा जो है इनका आंसर कुछ इस तरह का था कि बच्चा देखो अभी हम गर्मी है, इसलिए वायरस जो है जो बाहर घूम रहा है वो हमारी तलाश में बाहर घूम रहा है हर तरफ, और अगर हम बाहर जाएंगे तो वो तुरंत हमारे पे एंटर हो जाएगा और हमारे को बीमार कर देगा। तो इसके वजह से हम सब लोग घर में ही हैं, घर में ही रह के वो क्या होगा, जो वायरस बाहर घूम रहा है घूमते घूमते वो थक जाएगा। यस, थक जाएगा और वो क्या होगा, थक के वो क्या करेगा, भाग जाएगा, है ना। तो अगर हम कोई भी नहीं दिखे, उसे खाना नहीं मिले तो क्या करता है वायरस? भूखा रहता है, और भूखा कितने दिन तक रहता है, फिर भाग जाएगा ना? नहीं, जो हाथ में मोमो करते हैं ना, हाँ तो मोमो मिल सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत दिन तक वो भूखा नहीं रह सकता, तो देख देखते वो क्या सोचेगा, ठीक है यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा है ना, मेरे को तो बहुत भूख लग रहा है, चलो मैं दूसरे एरिया में चले जाता हूँ करके वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी दूंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा एक्टिविटी मैं इसे दिखाऊंगी समझाऊंगी, क्योंकि बच्चों को जैसे आप एक्सप्लेन करते हो समझ में जल्दी नहीं आता है, अगर आप विजुअली कुछ एक्सप्लेन करके दिखाते हैं ना, कुछ डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हो ना, बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाता है। तो चलिए एक छोटा सा एक्टिविटी इस नन्हे से कराएंगे। तो ये रहा कटोरी और मैंने इसमें डाल दिया है ये टी पाउडर, इसमें है जरा सा स्केच पे क्रेयॉन्स का पाउडर। तो पहले क्या करेंगे, अब ये जो आपके हाथ है, तो ये जो आपके हाथ है अपने धोया नहीं है हमें, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, एक फिंगर को इसमें डायरेक्टली ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, ये देखो पूरा चिपक गया है आपके उंगली में, देखिए कितना जर्म्स है, है ना। हाँ है, देखिए कितना अच्छे से चिपक गया है, नहीं है सब। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली डिप करेंगे आपके हाथ तो पूरा चिपक जाएगा, तो ये है जर्म्स, ऐसा चिपक जाएगा आपके हाथ में, तो ये उंगली ऐसे रख लो। और यहाँ पर भी चिपक गया है। अब ये है साबुन,
अब दूसरा इंग्लिश से अगर आप जब इस पे रगड़ेंगे अच्छे से, ये है साबुन, और अगर आप इस पे अच्छे से इस तरह से रगड़ेंगे, ओके, आप अच्छे से हैंड वॉश करेंगे, और उसके बाद अब जब आप डिप करेंगे यहाँ पे, तो देखो कैसे भाग रहा है, वाह, है ना? हाँ, देखो कैसे भाग रहा है, इट इज रनिंग अवे, देखो, है ना? फिर से करेंगे मम्मी, और इसमें भी अगर आप सेम करेंगे, देखो कैसे भागता है, वाह, है ना? हाँ, और ये तो देखो कितना क्लीन है, देखो यहाँ पे कितना जर्म्स चिपका है, वो विदाउट हैंड वॉशिंग। ये जब आप साबुन से क्लीन करोगे आपके हाथ, तो एक भी जर्म्स आपके उंगली में नहीं चिपकेगा इस तरह से, राइट? तो इस तरह से ही, तो देखा किस तरह से आपके हाथ में जर्म्स चिपक गया जब आप सोप से नहीं धोए, और जब आपने हाथ से इस हाथ में सोप को चिपका कर आप जब आप कटोरी में हाथ रखे, तो कैसे वो पूरा जो जर्म्स से भाग गए, है ना? हाँ? तो इसी तरह से आपको अच्छे से हाथ धोना है ताकि जर्म्स पूरे मर जाए या भाग जाए, ओके? तो हर बार जब भी आप खेलते हो, जब भी आपका हाथ गंदे होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? हैंड वॉश। यस, बार बार हैंड वॉश करना चाहिए विद साबुन। विद साबुन, वेरी गुड। तो हाथ धोने का भी इन बच्चों को ठीक से सही तरीके से सिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बच्चों को भी अच्छे से जैसे भी जो मुझे यहाँ पर छोटे छोटे जम्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, यस, ये छोटे छोटे आपको जो जर्म्स नहीं दिखते हैं, गंदे लग रहे हैं, वो जर्म्स भी हो सकता है। तो आपको इसलिए अच्छे से सोप में रगड़ रगड़ के अच्छे से धो के उसे भगाना है, ठीक है? तो चलो हम कैसे हाथ धोना है ठीक तरीके से वो भी आपको सिखा दूंगी, ओके दोस्तों? तो चलिए बच्चों को भी ज़रूर कैसे हाथ धोना चाहिए 20 सेकेंड्स तक सिखा दीजिएगा, ताकि बार बार बच्चों को आप ही खुद जाके धुलाना ना पड़े, तो बच्चे ही ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेंगे अच्छे से, तो बच्चे ही कर लेंगे हाथ धोना वगैरह, तो इस तरह से सिखा देंगे। तो चलिए आगे का वीडियो देखेंगे। Yes, in between. Do what? Nakun. यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक। नाउ हैंड वॉश। इसी तरह से 20 सेकेंड्स तक हाथ धोते रहना चाहिए, है ना? जब भी हाथ गंदा होता है क्या करना? ऑफ द टैप एंड दैट्स इट। फाइट कोरोना, बोलो फाइट कोरोना। बाय बाय। हैंड्स शुगर, शो हैंड्स ऊपर, हैंड्स। यस, बाय बाय।